जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी कल आपका रह गया, मेरा ख्याल है मैंने आपको कहा था कि मैं आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपलोड करूंगा। मैं एक काम करता हूँ कि अभी वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि फिर जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ तो दूसरे चक्कर आपने पड़ जाता हूँ। ये चक्कर क्या क्या है, अभी थोड़ा सा टाइम दे दें उसको। आजकल आप लोगों को मेरी वजह से वेट भी करना पड़ रहा है, ये भी मुझे बड़ा बुरा लगता है कि रोजाना ही जो है ना मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है, इसको भी सीधा करते हैं। नहीं, बात तो है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। आज के दिन का हमारा टॉपिक है आउटपुट गैप, उसकी डिस्कशन। हमने डिस्कशन कल करनी थी एग्रीगेट सप्लाई की और एग्रीगेट डिमांड की, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हमें आइडिया हो गया कि जनाब होता क्या है, और हमें जो हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के अंदर टोटल जो डिमांड थी हमें उसका आइडिया हो गया। विद नाउ नाउ के लिए हमें डिमांड एंड सप्लाई को, इकोनॉमी को, जब हमने मैक्रो लेवल पे डिस्कशन करनी है तो हमें क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा, अब वो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जैसे हमने मार्केट में देखा था ना कि मार्केट में क्या होता था, इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता था, जहां पे डिमांड आवर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू आवर एग्रीगेट सप्लाई, वहां पे ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि जनाब आपकी इकोनॉमी के अंदर इतनी एग्रीगेट डिमांड है और इतनी प्रोडक्शन है, इतनी सप्लाई है, तो वो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कहलाएगा। दैट मींस कि जो हमने कल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की पिक्चर्स देखी थी, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड आवर एग्रीगेट डिमांड, तो ये हमें चीज दिखाती है कि नाउ वी हैव दिस इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट सर्टन एट दिस प्राइस लेवल, आवर
aggregate supply and aggregate demand equates to each other. Clear है जी? यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं. अच्छा, ये हमने मार्केट के अंदर भी जो हम जब पढ़ते थे तो उसमें भी हमने यही बातें देखी थी, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज आती है. नई चीज क्या है? नई चीज है आपकी जो हमने कल फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की थी. दिस इज न्यू थिंग दैट वी नीड टू नो. आपने तो कहा था कि हम इस प्राइस के ऊपर और इस प्राइस के ऊपर और इतनी क्वांटिटी अगर हम प्रोड्यूस करें देन वी विल बी इन इक्विलिब्रियम. बिल्कुल ठीक है. और इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गई. बिल्कुल ठीक हो गया. लेकिन सर इधर चीज जो एक आपको देखने की है कि आप ऑन दिस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यू आर नॉट एट योर फुल एम्प्लॉयमेंट. जो फुल एम्प्लॉयमेंट ही आपके रिसोर्सेस फुली यूटिलाइज हो जाते हैं, वो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती. अंडर एम्प्लॉयड रहे आप. हमारा इक्विलिब्रियम फिर क्या हुआ कि ये तो जो इक्विलिब्रियम था एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई, ये शॉर्ट टर्म एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ये तो बराबर हो गए, बट आवर इकोनॉमी रिसोर्सेज वर नॉट फुली यूटिलाइज्ड. वो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेट से पीछे रहे. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है. अगर हमारी इकोनॉमी इस स्टेट पे है तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है. क्लियर है? तो दूसरी जानब हम कहें कि जनाब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, इन केस हम कहेंगे जी अगर हमारी इकोनॉमी इज इन दैट शेप, दिस इज एग्रीगेट शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज शॉर्ट टर्म aggregate supply, and now we have reached a point where our equilibrium quantity is more than our full employment. More than our full employment. आप जो मर्जी कर लें, आपकी अगर एग्रीगेट डिमांड इज दिस एंड योर एग्रीगेट सप्लाई इज दिस और आप किसी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आपकी इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल ही नहीं है. यू आर डिमांडिंग मोर देन व्हाट योर इकोनॉमी कैन प्रोवाइड यू. ऐसा ही है. तो ये जो गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड आउटपुट गैप. This gap is called output gap. आपकी output actual और जो आपकी output full employment के ऊपर है, इनके दरमियान में जो gap है, this gap is called the output gap. अब output gap और ideal situation क्या होनी चाहिए? Ideal situation होनी चाहिए कि जहाँ आपकी full employment के ऊपर ही आपकी aggregate demand और एग्रीगेट सप्लाई आपस में कट कर रहे हो, तो आप कहेंगे कि जी हाँ, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, जितनी एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वेट कर रही है, प्लस हमारी कोई भी रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज भी नहीं है, हमारे रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हैं. तो This will going to be the ideal situation. This is going to be your equilibrium of economy. के जहाँ पे aggregate demand और aggregate supply equate करे और आपकी full employment हम लोग. This is the ideal situation. This is the equilibrium situation.
अगर आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो आउटपुट क्या होगा? और सेम डोज हियर, अगर आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा इक्विलिब्रियम है तो फिर भी आउटपुट गैप होगा। नाउ ये दोनों जो डिफरेंट तरह के आउटपुट गैप हैं, इनकी डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ये जो आउटपुट गैप हमने पहले देखा कि जहां अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है और हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अब ये आउटपुट गैप क्या कर रहा है? आइडियल सिचुएशन शुड हैव बीन, आइडियल सिचुएशन शुड हैव बीन कि जनाब हमारी आइडियल प्राइसेस शुड हैव बीन देयर। अब ये जो प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आ रहा है, आइडियल सिचुएशन शुड हैव बीन देयर, और करंट इस सिचुएशन में क्या है, हमारी प्राइसेस ऑन दिस ई आर लोअर देन आवर आइडियल सिचुएशन। तो ये प्राइसेस के ऊपर हमें डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, नीचे प्राइसेस को नीचे लेकर आने का बायस बन रहा है। इस गैप को जहां पे आपकी आउटपुट आपके फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो, इफेक्टिव आउटपुट आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो, उनके दरमियान गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। डिफ्लेशनरी गैप क्यों है? ये डिफ्लेशनरी गैप आपकी प्राइसेस के ऊपर, जनरल प्राइस लेवल के ऊपर लो प्राइसेस के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, कम प्राइसेस लेकर आ रहे हैं, जनरल प्राइसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। आइडियल प्राइस कहां पर होनी चाहिए थी? आइडियल प्राइस यहां पर होनी चाहिए थी जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, आइडियल प्राइस शुड हैव बीन देयर, बट एज आवर एग्रीगेट डिमांड इज लो, एज वी आर नॉट डिमांडिंग मोर फ्रॉम द इकोनॉमी, हम अपनी इकोनॉमी से ज्यादा डिमांड नहीं कर पा रहे, तो हमारा जो जनरल प्राइस लेवल है वो लो है, जो हमारे आइडियल सिचुएशन के ऊपर होना चाहिए था उससे। दिस लेस डिमांड इज कॉजिंग आवर प्राइसेस टू गो डाउन एंड दिस गैप इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। Deflationary gap. On the other hand, there our gap, ideal prices should have been there, but this effective equilibrium prices are there. So our prices are higher than what would have been at the ideal position. हमारी ideal position पे जो prices होनी चाहिए थी उससे हमारी प्राइसेस ज्यादा हैं, और क्यों ज्यादा है? हम वी आर डिमांडिंग मोर फ्रॉम इकोनॉमी देन इट कैन प्रोड्यूस, वी आर डिमांडिंग मोर, इट कैन नॉट प्रोड्यूस बियॉन्ड दिस प्राइस, दिस पॉइंट, दिस इज द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट दिस पॉइंट। हम इससे ज्यादा अपनी इकोनॉमी से डिमांड कर रहे हैं, जब इकोनॉमी से डिमांड ज्यादा करेंगे, इकोनॉमी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा? प्राइस प्रेशर आएगा, प्राइस प्रेशर आएगा, प्राइसेस आर गोइंग टू गो हायर, लाइक हमारा शायद इधर प्राइसेस इंक्रीज हो रही होंगी, प्राइसेस हाई हैं। दिस गैप बिटवीन द आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट एंड जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन आवर फुल एम्प्लॉयमेंट, this gap is called inflationary gap. Inflationary gap. ये हमें prices के ऊपर higher side के ऊपर लेके जा रहा है, हमें extra demand कर रहा है, over utilization की बातें कर रहा है। वो कह रहे भाई ना, मुझे इसने इतना demand है, मेरी ये economy कर इतनी demand है, economy की capacity इतनी है, आप जो मर्जी डिमांड करते रहे, जब आपको प्रोवाइड नहीं कर सकेगी इकोनॉमी, तो फिर क्या होगा? लाभ हाला आपकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी, प्राइसेस में इंक्रीज आएगा।
जी लेट्स गो टू द बुक आपसे देखिए क्या कहते हैं वी हैव इंट्रोड्यूस द एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड यूज जी ये वही इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कि जी यहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स एट द पॉइंट जी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड Reason it is not the long run aggregate supply that this is the production potential in the economy. Short run aggregate is where actually being supplied in the macroeconomics and is therefore what equilibrium should be based upon. If the general price average is above the equilibrium point, then firm will persistently find that their stock levels are being unsold. This then indicates that they should cut back on further production to reduce the level of inventory. If, however, the general price level is below the equilibrium point, then demand will outstrip supply and stocks will quickly become run down this significant signaling production, then they should increase supply. These mechanisms show that the macroeconomic will show to equilibrium changes in aggregate demand. So, yeh jo baatein humne kahi thi, ki deflationary gap mein kya hoga? Deflationary gap mein aapki इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है आप ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे लेकिन डिमांड ही नहीं है एग्रीगेट डिमांड कम है तो आपको अनसोल्ड स्टॉक रहेगा प्राइसेस को रिड्यूस करना पड़ेगा लोगों को सेल करने के लिए प्राइसेस के ऊपर डिफ्लेशनरी प्रेशर होगा और दूसरी जानब जहां पे आपकी डिमांड एग्रीगेट डिमांड आपकी शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगी फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा होगी प्रोडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होगी वहां पे आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे शॉर्टेज होगी शॉर्टेज की वजह से आपकी प्राइसेस इंक्रीज होगी क्लियर है एग्रीगेट डिमांड में किसी भी वजह से चेंज आ जाए जो हमने पहले देखी चीजें शिफ्ट आ सकती है वो शिफ्ट अगर आएगी तो आपका इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर आपने आप अपनी इकोनॉमी को फ्लो कराना चाहते हैं ग्रो कराना चाहते हैं तो इकोनॉमी के अंदर कोई एक्सपेंडिचर करें वो कहते हैं ना ये जी हमने पुल बनाए थे हमने ब्रिज बनाए थे हमने मेट्रो ट्रेन बनाई थी हमने ये किया था इसलिए कि इस एक इंडस्ट्री से आपकी 100 और इंडस्ट्रीज चल रही होती हैं क्या किया था उन्होंने जब ये हम आर्गुमेंट देते हैं तो इसके अंदर क्या किया कि हमने अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करने से क्या किया हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने से हमने क्या किया हमने सप्लाई अपनी इकोनॉमी को प्राइसेस को हाई किया अपनी इकोनॉमी की आउटपुट को इंक्रीज किया जो हमारी नेशनल आउटपुट है जीडीपी है उसको हमने बढ़ाया इसी तरह से कंजम्पशन में इजाफा इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में जो हमने बाकी सारी बातें पढ़ी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इन सब चीजों के अगर हम चेंज करेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी और एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट करके वी टेंड टू मूव आवर इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी को की आउटपुट को बढ़ा सकते हैं ग्रो कर सकते हैं ये जो हमारी नेशनल इनकम थी पहले सिर्फ इस लेवल के ऊपर थी अब नेशनल इनकम हैज रिजन टू दिस लेवल और ये जो पोटेंशियल नेशनल इनकम ये जो इस लेवल के ऊपर ये जो पोटेंशियल है आपकी टोटल प्रोडक्शन पोटेंशियल है और इसी तरह से अगर आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को इसी तरह से आप शिफ्ट हो जाए किस वजह हाथ से होती थी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को प्रोडक्शन प्राइसेस रिड्यूस हो जाए को टेक्नोलॉजी में इजाफा हो जाए कोई आपके पास कोई रिसोर्सेज एक्स्ट्रा आ जाए तो आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो सकती थी और अगर आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इनिशियली यहाँ पे थी अब शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हुई तो फिर क्या हुआ आपकी नेशनल इनकम के अंदर इजाफा होगा चेंज आपकी ये आउटपुट क्या डिसाइड कर रही है कि यार हमें नेशनली इतनी प्रोडक्ट्स इतनी आउटपुट चाहिए और नेशनल इनकम
हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्शन आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ योर ऑल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर आपका नेशनल इनकम. तो ये हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं ये ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई और ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की बातें कर रहे हैं. तो ये हम बेसिक क्या कर रहे हैं बात नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं. और उसको जब हम कह रहे हैं तो नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं. कहां के लिए अगर दोनों में ही चेंज आ जाए, फर्क आ जाए इस ग्राफ के ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि पता नहीं क्या ये ग्राफ है. तो आसान काम है, आप पहले सिर्फ दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड वन एंड दिस इज योर शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, पहले इन दोनों के ऊपर फोकस करें कि इनिशियली आपकी इकोनॉमी बताया गया कि आपकी इकोनॉमी इनिशियली आउटपुट वाज हियर, किसी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई, कम हो गई. जब एग्रीगेट डिमांड के अंदर कमी आई तो क्या हुआ, शिफ्ट हो गई, कोई कंजम्पशन की तरफ कमी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कमी होगी, कोई इन्वेस्टमेंट में कमी होगी, कोई एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट में, तो इसी तरह से इम्पोर्ट इजाफा हो गया, एक्सपोर्ट में कमी होगी, कोई आपकी रीजन बनी जो आपकी एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गई टू 82. अब क्या हुआ, आपकी नेशनल इनकम जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल था वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल बाय 2 पर आ गया, और किसी और वजह से आपकी एग्रीगेट सप्लाई में भी कमी हो गई. अभी इतना इफेक्ट तो पड़ा एग्रीगेट डिमांड में कमी के साथ, आपकी नेशनल इनकम कम हो गई, आपकी एग्रीगेट सप्लाई में भी कमी हो गई, को प्रोडक्शन कम हो गई, को आपके बारिश नहीं हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ना हो सकी, कुछ और आपकी नेशनल इनकम के अंदर एग्रीगेट जो सप्लाई है, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई है, उसमें भी शिफ्ट आ गया, देन आपकी नेशनल इनकम और रिड्यूस हो गई. तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर एग्रीगेट डिमांड ही सिर्फ चेंज हो, एग्रीगेट सप्लाई भी चेंज हो सकती है, एग्रीगेट सप्लाई ही सिर्फ नहीं चेंज हो सकती है, एग्रीगेट डिमांड भी हो सकती है. तो दोनों के इफेक्ट्स आपको नजर आ सकते हैं, यू कैन सी. और आप दोनों तरफ क्योंकि नेगेटिविटी थी, एग्रीगेट डिमांड में भी नेगेटिव शिफ्ट हुआ, कमी हुई, एग्रीगेट सप्लाई के अंदर भी, एग्रीगेट सप्लाई के अंदर भी शिफ्ट हुआ, कमी हुई, तो दोनों की वजह से नेशनल इनकम में आपकी कमी हो रही है. क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर ग्राफ में. अच्छा, जो मैं बातें कर रहा हूं तो वैसे दोबारा चंद की बातें कर रहा हूं, समझ आ रही है जो हम बातें कर रहे हैं कि नेशनल इनकम और आउटपुट और नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, कुछ ज्यादा ऊंची तो नहीं जा रहे ऐसा. आ रही है वो सब ठीक है. अब वो दूसरा सिनेरियो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि फिर ये देखिए एक ये सिनेरियो उन्होंने दिया, देखा एग्रीगेट डिमांड यहां पे थी और एग्रीगेट सप्लाई आपकी यहां पे थी. जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाज हियर, आपकी नेशनल इनकम यहां पे थी, किसी वजह से आपने एग्रीगेट डिमांड में इजाफा किया, एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपकी कंजम्पशन बढ़ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, कुछ भी वजह हुई उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हुआ, तो आपकी नेशनल इनकम में तो इजाफा हो जाना चाहिए था, लेकिन नेशनल इनकम में इजाफा ना हो सका. नेशनल इनकम में क्यों इजाफा ना हो सका, कि साहब उसी वक्त जब आपने कोई गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई, आपने कहा कि मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर लेता हूं इस साल के अंदर 2017-18 के दौरान में हम 200 मिलियन की गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके आपका तो ख्याल था कि आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे, इकोनॉमी को ग्रो करवाएंगे, लेकिन आपकी इकोनॉमी के अंदर
एग्रीगेट सप्लाई के अंदर रिडक्शन आ गई। आपने तो कंस्ट्रक्शन के अंदर दोनों बनाने की कोशिश की ना, कि शायद आपने कहा कि हम कोई मेट्रो पुल बनाएंगे, ये सब चीजें करेंगे, आपने एक सेक्टर के ऊपर आपने कोशिश की। लेकिन जब कम्युनिटेटिवली उस सेक्टर का प्रॉफिट के अंदर जो इजाफा हुआ सप्लाई के अंदर, लेकिन कोई दूसरी किसी और वजह से, फॉर एग्जाम्पल वेजिस की प्राइसेस हाई हुई, वेजिस की प्राइसेस की वजह से शिफ्ट हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हुई तो जितना हम इजाफा चाह रहे थे वो उतना ही कमी आ गई और हम दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन, अंग्रेजी का मुहावरा यूज कर लिया बजाय इसके उर्दू के या पंजाबी के, बैक टू स्क्वायर वन हम पहुंच गए जहां से हम चले थे वाई जीरो से या वाई वन से, हम वाई वन पे वापस पहुंच गए। हम तो ये चाह रहे थे कि हम अपनी नेशनल इनकम पे इजाफा करें, अपनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के, लेकिन किस्मत की बदनसीबी के साथ ही जब हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई उसी साल में कोई वेजेस बढ़ गई, कोई हमारी एग्रीगेट सप्लाई के अंदर कमी आ गई, हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट कर दी नेगेटिव साइड पे, लोअर साइड पे कम हो गई, और हमारा जो इजाफे का इरादा था वो धरा का धरा रह गया और हम वापस अपने बाय वन के ऊपर ही पहुंच गए। तो हम चेंजेस करना चाहते थे बट वी वर नॉट एबल टू डू अचीव आवर गैप। आउटपुट गैप थी वो एक चीज इन डिस्कशन है यहाँ पे, आउटपुट गैप द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल आउटपुट, जो हमने बात की पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल आउटपुट, पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल आउटपुट। Inflationary gap, when the equilibrium in the macroeconomy is beyond the production potential, it is said that there is an inflationary gap. Equilibrium is beyond the production potential, said to have inflationary gap. Future is so rather than the expected expenditure is not equal consumption for a future date in time. This is not sustainable without long-term shift in long-run aggregate supply. ये उसने हमारी वही डायग्राम देखी थी, वही बताई है। Inflation, a continuous or persistent increase in rise in general price level. ये एक हमें एग्जांपल समझाया, उन्होंने कहा कि आपकी इनिशियली आप यहाँ पे थे, इनिशियल एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे, आपने कहा कि जनाब इतना देते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा कर देते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इजाफा किया आपने, प्रोडक्शन पोटेंशियल से आप आगे निकलेंगे, जब प्रोडक्शन पोटेंशियल से आगे निकलेंगे तो ला महला क्या होगा कि लोग कहेंगे जी कि हमें तो हमारी वेजेस बढ़ाएं, वेजेस की शॉर्टेज हो जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी शॉर्टर एग्रीगेट सप्लाई उसको कंपनसेट करने के लिए शिफ्ट कर देगी और आप बैक टू स्क्वायर वन वहां पे पहुंच जाएंगे। और इससे आपने क्या किया कि आपने अपनी प्राइसेस के अंदर इजाफा का एक सिस्टम बना दिया, इन्फ्लेशनरी गैप आ गया, वो आपका इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होगी बियॉन्ड योर पोटेंशियल, और डिफ्लेशनरी गैप आप अपनी पोटेंशियल से कम में है और इसका मतलब है कि आप डिफ्लेशनरी प्राइसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। लें जी आज हम
अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर सिक्स कंप्लीट कर रहा है और कल हम इंशाल्लाह वेट कंजम्पशन की डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है जी, लेट्स कंक्लूड विद बे। और मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं न्यूमेरिकल्स इसके कम के मेजरमेंट के हवाले से, तो उनको आप देखिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।